हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट से आ रहा है, तो सबसे पहले सॉरी, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि लेट कैसे हुआ, क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारे सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, फिर थोड़ा सा शादी का टाइम आ गया, उसके बाद अभी त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्राउड है ना। हम वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मतलब है ना इन लोगों का प्रचार प्रसार कि मतलब वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो लगातार आएंगे ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, चाहे BBU का हो, चाहे BBM का हो, चाहे और भी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका यही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 का कोर्स 13 का पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन करें, और दूसरा जो दिख रहा है वह व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है, यानी उत्तर व्यवहारवाद का नहीं है, बल्कि ये है व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद की वीडियो बनाने के लिए जा रहा था, लेकिन हमको समझ में आया कि पहले व्यवहारवाद अगर समझाते हैं उसके बाद अगर हम उत्तर व्यवहारवाद समझाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहले व्यवहारवाद आया, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, ठीक है। तो जब आप व्यवहारवाद समझ जाते हैं ना, उसके बाद आपको उत्तर व्यवहारवाद समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो उत्तर व्यवहारवाद का वीडियो इसके बाद आएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आधे घंटे के बाद आएगा उत्तर व्यवहारवाद का, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना है, हो सकता है वहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अब स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि जो आपने क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन नहीं आया था। तो भाई आप सभी को मैंने हज़ार बार बोल रखा है ग्रेजुएशन है, ठीक है। आप लोग चाहोगे कि जैसा क्वेश्चन मैंने बता दिया वैसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा आता नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत कम केस होता है कि क्वेश्चन चेंज कर देता है, आता तो वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन चेंज कर देता है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप पूरा पढ़ के जाते हो तो आप लोग को खुद समझ में आ जाता होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो किस प्रकार से चेंज कर सकता है, देखिए, या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें, या तो यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्यवहारवाद की अर्थ बताएं, या तो फिर वही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्यवहारवाद की परिभाषाएं दें, या तो फिर दोनों एक ही पूछ सकता है कि व्यवहारवाद का अर्थ और परिभाषाओं का क्या करें वर्णन करें, या तो व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएँ लिखने के लिए आ सकता है, या तो व्यवहारवाद की कमियाँ को ही बोलते हैं आलोचनात्मक। तो ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है ना व्यवहारवाद से, तो आपको यही डालना है। क्यों पता है? क्योंकि ये हम लोग इसको 4 से 5 पेज में आंसर देते हैं, तो 4 से 5 पेज में इतना बड़ा लॉन्ग आंसर देंगे ना, तो इसी में से बुराई भी आ जाता है, अच्छाई, लाभ, हानि, अर्थ, परिभाषा, सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी को आपको पता होना जरूरी है। तो देखते हैं व्यवहारवाद क्या है और इसकी आलोचनात्मक देखेंगे। आलोचनात्मक में इसमें बार बार बता रहा हूँ, इसका बुराई देखेंगे, लोगों ने इसके बारे में क्या क्या बुराइयाँ किया, इसी को बोलते हैं आलोचना करना। यानी आपका अगर कोई बुराई कर रहा है, मतलब आपका वो आलोचना कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। फिर ये व्यवहारवाद है क्या, व्यवहारवाद है क्या ये, तो देखिए व्यवहारवाद क्या है, यानी जो मानव जाति होता है ना, यानी कि मानव के लोग जो होते हैं ना, उसके व्यवहार के बारे में, कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करना ही व्यवहारवाद कहलाता है। क्योंकि जब हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो लोगों के बीच एकता नहीं था, लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उनके बीच कोई अच्छा सा व्यवहार नहीं था, तो लोगों को लगा यार इस तरह से कितना दिन चलते रहेगा, तो उन लोगों को लगा कि व्यवहारवाद होना चाहिए। अब व्यवहारवाद में क्या होता है, तो व्यवहारवाद में ये होता है कि जैसे कुछ नियम कानून जो होते हैं वो सरकार बना देती है, अब उस नियम कानून को लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं व्यवहारवाद। जैसे सरकार ने एक कानून बना दिया, ठीक है, अब उस कानून को लोग कितना मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना इग्नोर कर रहे हैं उसको, उस कानून को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये जो देखा जाता है ना, उसी को बोलते हैं व्यवहारवाद। सरकार बहुत सारी योजना बनाती है, अब उस योजना से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी मानव के जीवन पर उसका क्या, उसके व्यवहार पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। यानी जितने सारे सरकार ने कानून बनाता है उसका प्रभाव मानव जनता पर कितना अच्छा पड़ रहा है या खराब पड़ रहा है। आखिर इंसान के लिए काम वही होना चाहिए जो अच्छा हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब व्यवहारवाद को लागू किया जाता है, क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत ही ये चेक किया जाता है कि इस चीज़ों से जनता पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और कितना डिस इफेक्ट पड़ेगा, है ना, यानी कितना उसको लाभ पहुँचाएगा और कितना हानि पहुँचाएगा उसको। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है, कि व्यवहारवाद का आलोचनात्मक। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने क्या व्यवहारवाद का तो यहाँ लागू कर दिया, व्यवहारवाद को लागू कर दिया कि इससे क्या होगा, जनता लोग को फायदा होगा, कि उन लोगों को क्या हानि हो रहा है, क्या उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उन लोगों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ कमियां हैं,
बहुत सारा चीज़ कमी है, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है कि जनता को लोगों को ये दिया जाएगा, तो बोल देने से नहीं होता है, बल्कि उसको पूरा भी किया जाता है, लेकिन व्यवहारवादियों ने पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे कमी रह गया। फिर दूसरे विद्वानों ने इसमें कमी निकाला कि ये सिर्फ व्यवहारवाद एक नाम का है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसी आलोचना के बारे में बताना, उसी बुराई के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। तो देखिए, साधारण शब्दों में व्यवहारवाद का अर्थ होता है मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि जो मानव जाति है उसका व्यवहार कैसा है, है ना, उन लोग कोई भी नियम कानून को कैसा अपना जीवन में मतलब अपनाते हैं और तो फिर नहीं अपनाते हैं, इसका बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद। लेकिन परंतु इससे व्यवहारवाद का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने साधारण भाषा में बोल रखा, आपको भी ऐसा ही लिखना है। चलिए अब देखिए नीचे, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मतलब क्या हो गया, पहले का राजनीतिक विज्ञान, पहले का, ठीक है, तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में, यानी कि पहले के जो राजनीतिक विज्ञान थे उसके विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि पहले का जो राजनीतिक विज्ञान था ना, वो बहुत ही खराब था, लोगों के प्रति मतलब कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों ने को लगा कि उसके प्रति क्रांति किया जाए और एक नया मॉडल कुछ अपनाया जाए जिसका नाम व्यवहारवाद था। ठीक है, तो क्रांति प्रारंभ हुई जिसने सभी समाज विज्ञान को प्रभावित किया, एक ऐसा क्रांति लोगों ने किया जिससे सभी समाज को प्रभावित किया और व्यवहारवाद लागू होने लगा। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया और कहा गया कि व्यवहारवाद के प्रति लोगों को व्यवहार के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, लोग ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन मानव जाति का व्यवहार को कौन देखेगा कि मानव जाति का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही क्रांति में ये बताया गया कि जो मानव जाति, अब से क्या होगा कि मानव जाति के व्यवहार पर अध्ययन किया जाएगा, उसके मानव जाति के व्यवहार क्या ऐसा है उस पर गहन अध्ययन किया जाएगा, उस पर देखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ों के बारे में बड़ा रूप फैलाया गया, बड़ा क्रांति किया गया। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया व्यवहारवाद, कि अब से मानव जाति का अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद देखिए व्यवहारवाद की परिभाषाएं, तो आप सभी को पता है कि व्यवहारवाद का परिभाषा देना कठिन कार्य है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसका परिभाषाएं दी है, जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। डेविड ईस्टन, आप लोगों को ये नाम जिंदगी में नहीं भूलना, डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद को लागू किया है और उत्तर व्यवहारवाद को भी लागू किया है, आप लोग सोच सकते हो। इसके पहले मैंने बताया ना आप लोगों को कि व्यवहारवाद के बाद हम उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे, तो व्यवहारवाद को भी लागू करने वाला डेविड ईस्टन ने ही है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका से स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और कौन किया था, डेविड ईस्टन ने किया था, और उत्तर व्यवहारवाद को भी डेविड ईस्टन ने ही लागू किया था। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, तो देखिए व्यवहारवाद को जब लागू किया गया ना, देखिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उत्तर व्यवहारवाद भी आपका समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और पहले आप इस वीडियो को देखें उसके बाद ही उत्तर व्यवहारवाद को देखें। ठीक है ना, तो व्यवहारवाद में देखा गया कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन देखा गया इससे मानव जाति पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जितना जो समझ के इसको अपनाया गया था व्यवहारवाद को कि बहुत ज़्यादा विकास होगा, उतना हो नहीं पाया। तो फिर से इसमें कुछ नया चेंजिंग लाया गया, जैसे कोई भी हम लोग गाड़ी वगैरह में कैसे नया चेंजिंग लाते हैं, हम लोग कार रहता है तो उसको कुछ और बना देते हैं, तो वैसे ही व्यवहारवाद में कुछ नया चेंजिंग लाया, तो उसी को बोला जाता है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद को भी लागू करने वाला डेविड ईस्टन था, और इसको नया रूप दे करके उत्तर व्यवहारवाद को भी अपनाने वाला डेविड ईस्टन नहीं था। ठीक है, चलिए तो डेविड ईस्टन ने क्या कहा व्यवहारवाद के बारे में, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवाद का प्रेरिता डेविड ईस्टन को माना जाता है, यानी कि जो व्यवहारवाद को लागू करने वाला है उसको कौन माना जाता है, डेविड ईस्टन को माना जाता है। उसके अनुसार अब डेविड ईस्टन ने क्या कहा तो आप लोग देख लें, उसके अनुसार से उसने ये कहा कि व्यवहारवादी वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। देखिए इसने क्या कहा कि जो व्यवहारवादी है ना, व्यवहारवादी के जो लोग हैं ना, वो वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी वास्तविक व्यक्ति पर, यानी जितने सारे लोग हैं जीवन में जितने सारे लोग यहाँ पर संसार में हैं उसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना कि लोग कैसे रह रहे हैं, उसके मानव जीवन पर इस चीज़ों का कैसे प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, उसी को जो ध्यान केंद्रित करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं व्यवहारवाद। एक आना है डेविड ईस्टन का कि जितने भी सारे व्यवहारवादी के लोग हैं वो सभी लोग अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं कि मानव के प्रति, कि मानव कैसा जी रहा है, कैसा उनके जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है कोई भी नियम कानून को। ठीक है, तो हम लोग समस्त ध्यान को उनके प्रति केंद्रित करते हैं, यही हमारा डेविड ईस्टन का कहना है। ठीक है, ये उन लोग का परिभाषा है, तो हम इसको अपना ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने जैसा कहा वैसा ही तो मैं बताऊँगा ना। उसके बाद डेविड टूमेन, देखिए डेविड ये अलग अलग है, डेविड ईस्टन अलग है और यहाँ पर डेविड टूमेन अलग है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, तो डेविड टूमेन के अनुसार व्यवहारवाद में मनुष्यों और समूहों की वे सभी क्रियाएं और अंतःक्रियाएं जिनका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से, देखिए इसने ये कहा कि व्यवहारवाद में मनुष्यों
और समूह यानी मनुष्य और एक से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं मनुष्य का समूह। तो यानी एक लोग या तो एक से अधिक लोगों की सभी क्रिया और अंतःक्रिया जितने सारे काम होते हैं सो चाहे अंदर का काम हो चाहे बाहर का काम हो जिनका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से, प्रशासन मतलब समझ रहे हम लोगों को जो सेवा करने वाले प्रशासन होते हैं उनका, ठीक है। तो मनुष्य का जो क्रिया करने का होता है वो किस संबंध किससे हो जाता है, प्रशासन से हो जाता है। तो इसी वही हमारा व्यवहार है क्योंकि मानव जीवन पर क्या नियम कानून का कितना प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये सब कौन देखता है, हमारा प्रशासन के लोग देखते हैं जैसे पुलिस लोग होते हैं। तो नियम बना दिया गया कि सभी लोग को हेलमेट पहनना है, ठीक है। तो इस मानव के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या सारे लोग उसको हेलमेट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं ये सब कौन देखता है, सब प्रशासन लोग देखता है। तो यही जो ये दोनों के बीच रिलेशन अंतःक्रिया है और अंतःक्रिया है प्लस में क्रियाएँ हैं इसी को क्या बोला डेविड टूमैन ने कहा है ये क्या है व्यवहारवाद है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर तीन डिफिनेशन लिख रहा है जिसमें से आपको एक या दो ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगर आपको तीनों समझ में आ जाता तो ठीक है, और अगर तीनों नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, तीन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसलिए तीन लिखा ताकि आपको तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर है हिज यू लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिज यू लाओ ने क्या कहा, तो इसके अनुसार राजनीतिक व्यवहारवाद के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, मानव के रुख और मानव के वरीयताओं से है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या, देखिए इसने क्या कहा पता है कि जो राजनीतिक व्यवहार है ना यानी कि जो व्यवहारवाद है ना वह क्या है, तो मानव के रुख कि मानव का रुख किधर है, मानव किधर की ओर मुड़ रहे हैं और ठीक है, और मानव के वरीयताओं से, वरीयताओं मतलब यही हो गया सर्वश्रेष्ठता महत्वता कि मानव किसको सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, किसको मतलब महत्व दे रहा है, ठीक है। तो इसने यही कहा कि मानव का कार्य क्या है, मानव काम कैसा कर रहा है, मानव का रुख किधर है, किधर की ओर उन लोग मुड़ रहे हैं, प्लस में उन लोगों का क्या मानना है, ठीक है। वरीयताओं मतलब क्या, उनका सर्वश्रेष्ठता क्या है, महत्व क्या है उनका, ठीक है ना। तो उन लोग क्या मान रहे हैं उसके बारे में, तो हिज यू लाओ ने यही कहा कि जो मानव लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या मांग है, ठीक है, उन लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है, यही हमारा क्या राजनीतिक व्यवहारवाद है। किसका कहना है, तो हिज यू लाओ का कहना है। अब देखिए व्यवहारवाद की आलोचनाएं, अब यहाँ पे देखिए जो मैन क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ से, लेकिन इसके पहले भी आपको ये सब चीज़ें परिभाषा वगैरह देना जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको बताया ना कि परिभाषा एक भी दोगे तो भी चलेगा। अब देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचनाएं, आलोचनाएं मतलब क्या होता, आलोचना मतलब होता है बुराई, उसका बुराई जो किया गया उसमें जो गलत चीज़ें था, आखिर गलत चीज़ें होगा तभी तो बुराई किया गया होगा ना, तो उसका बुराई के बारे में बताना है, ठीक है। हम ज़्यादा डीपली में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं अच्छे से बताऊँ। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं अगले बार से थोड़ा सा वीडियो लंबा करूँगा लेकिन अच्छे से समझाऊँगा। और अगर इतना सा काम चल जा रहा है तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर लिखना, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब इसका बुराई कैसे हुआ, तो देखिए व्यवहारवाद ने राजनीतिक शास्त्र के अंग में व्यापक परिवर्तन लाया, ये बात तो सभी को पता है कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक शास्त्र के अंग में व्यापक परिवर्तन लाया, भले इसमें बहुत सारे बुराइयां हैं, लोगों ने इसका बुराई किया, लेकिन व्यवहारवाद ने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया है, ठीक है। कैसे बदला है, क्योंकि इससे मानव जीवन पर जो विकास नहीं हो रहा था वो थोड़ा बहुत विकास होने लगा है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हुआ है। व्यवहारवाद का विकास का शुरुआत अमेरिका से हुआ है जो कि मैंने आपको बताया है, और इनका विकास भी व्यापक रूप से हुआ, और इसका विकास भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका बुराई था, विकास भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन इनका विकास के साथ साथ इनका कामयाबियाँ उभरने लगी, और आलोचकों की दृष्टि से यह बच नहीं सका, आलोचकों मतलब पता है ना बुराई करने वाले लोगों से ये बच नहीं पाया, भले इसमें बहुत सारा कमी था, ठीक है, लेकिन कमी होने के बावजूद भी अगर ये बच जाते तो ठीक है, लेकिन जो आलोचकों थे यानी कि बहुत सारे इससे भी बड़ा बड़ा विद्वान थे उन लोगों ने इसका कमी निकाल ही दिया, उससे ये बच नहीं पाए, ठीक है ना। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है ना कि बहुत सारे व्यवहारवादी भी व्यवहारवाद के आलोचक बन गए, मतलब क्या पता है, जो पहले व्यवहारवाद को मानते थे, सहमति थे व्यवहारवाद से, वो लोग भी क्या हुए पता है, इनका बुराई करने लगे, मतलब जो घर में रह करके रहते हैं उसी घर का बुराई समझ लो, ठीक है। तो वो लोगों ने भी इसका बुराई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद अतः व्यवहारवाद की आलोचना भी बड़े पैमाने पर हुई, यानी व्यवहारवाद का विकास तो हुआ, इनका लोगों अच्छाई भी किया, लेकिन इसका जो आलोचना है यानी बुराई भी है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। कुछ आलोचकों का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है, बहुत सारे आलोचकों ने जो इसका बुराई किया वो इस प्रकार से, जैसे कि नीचे देख सकते हैं, ठीक है। पहला अवैज्ञानिक, पहला क्या अवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक ना होना,
ठीक है, अवैज्ञानिक, ध्यान रखें ये वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक होता तो बढ़िया है लेकिन अवैज्ञानिक है। तो आलोचकों की दृष्टि में यानी कि जो बुराई करने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में व्यवहारवाद अवैज्ञानिक है, मतलब वैज्ञानिक नहीं है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसी को बोलते हैं अवैज्ञानिक। तो उन लोगों का कहना है कि इसका कोई अर्थ नहीं, ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक होने के लिए मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अगर ये वैज्ञानिक होता, ठीक है ना, अगर ये वैज्ञानिक होता तो ये मूल्य निरपेक्ष होता। तब मूल्य का मतलब क्या होता, सत्य, ईमानदारी, और निरपेक्ष का मतलब होता है क्या, किसी पर डिपेंड ना होना। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन लोगों का ये कहना था कि अगर ये वैज्ञानिक होता तो किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये अपने आप खुद पर डिपेंड होता, यानी कि मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, होना आवश्यक है। ठीक है, और व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष होने के प्रयास करते हुए भी मूल्य निरपेक्ष नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि अगर ये वैज्ञानिक तभी हो पाएगा जब ये मूल्य निरपेक्ष होगा तब, और ये चाह करके भी चाहेगा तो भी मूल्य निरपेक्ष नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको अवैज्ञानिक कहा गया है। ठीक है, तो सत्य तो यह है कि मूल्य के संबंध में व्यवहारवादी की धारणा ही गलत है। आने लोग कहना यह है कि मूल्य के संबंध में, मूल्य मतलब क्या, सत्य, ईमानदारी, अच्छाई के बारे में इसका सोच ही गलत है, तो फिर ये कैसे मूल्य निरपेक्ष बन सकता है, इनका सोच ही गलत है। ठीक है, और भी अलग अलग तरीकों से इनका कटु आलोचना की गई, कटु मतलब बहुत बुरा तरीका से इसका आलोचना किया गया, बुराई किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सार्वमान्यता का अभाव, सार्वमान्यता का अभाव। अब देखते हैं कि सार्वमान्यता क्या है, तो सार्वमान्यता का मतलब होता है सभी के समान योग्य, सभी के समान योग्य मतलब अगर कोई नियम कानून होता है तो सभी के लिए समान होता है ना, तो वही होता है। तो सार्वमान्यता का अभाव था इसमें, मतलब क्या समझ रहे कि सभी का, देखिए सार्वमान्यता मतलब आप लोग ये समझ रहे जिसमें से समानता, सभी लोगों को एक जैसा नियम दिया जाए, एक जैसा कोई भी कानून सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन यहाँ पर वैसा अभाव था, मतलब सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून यहाँ पर नहीं था। ठीक है ना, तो व्यवहारवाद के प्रयोग और परीक्षणों में इतनी सीमाएं हैं कि ज्ञान की गहराई और उनके निष्कर्ष की सर्वमान्यता संभव नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसमें ये बताया गया ना कि यहाँ पे कि मतलब व्यवहारवाद का जो प्रयोग और परीक्षण है, जितने भी सारे इसमें व्यवहारवाद में प्रयोग किया जाता है और परीक्षण किया जाता है, उसमें इतना ही सीमाएं हैं ना कि ज्ञान की गहराई, जो ज्ञान का गहराई है सो, और उनके निष्कर्ष की सर्वमान्यता संभव नहीं है। सर्वमान्यता मतलब समझ रहे हैं, सभी को एक जैसा उसके प्रभाव पड़े, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसमें जितने भी सारा काम किया जा रहा है, चाहे जितने भी सारे ज्ञान हो, गहराई का कुछ भी ज्ञान हो, वो सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुँचता है। चार लोगों को पहुँच मतलब चार लोग उससे सहमत है तो दो लोग उन लोग से सहमत नहीं है, ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत की स्थापना सिर्फ अनुभवीवादी ज्ञान पर ही नहीं हो सकता। इन लोगों को यह कहना है, जो बुराई करने वाले लोग थे उन लोगों को यह कहना है कि व्यवहारवाद का विकास सिर्फ अनुभववादी ज्ञान पर ही नहीं हो सकता है, अनुभववादी ज्ञान पर ही नहीं हो सकता। मतलब इन लोगों का कहना था कि इसका जो स्थापना है वो सिर्फ अनुभववादी ज्ञान पर ही नहीं हो सकता है, बल्कि इसके अलावा और भी ज्ञान चाहिए, सिर्फ अनुभववादी होने से नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, असमानता, व्यवहारवादियों के आचरण भी ठीक नहीं है। आचरण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आचरण मतलब होता है व्यवहार, चरित्र, तो उनका चरित्र भी ठीक नहीं है, उनमें असमानता का अभाव पाया जाता है, उनके आचरण कटु पंथियों की तरह है। कटुपंथी मतलब समझ रहे हैं ना, कटुपंथी मतलब अच्छे लोग नहीं, जो कटुपंथी लोग होते हैं ना उनके जैसा है। ठीक है, यानी गलत व्यवहार वाले लोग होते हैं तरह है। वे अपने अपने निष्कर्ष को उचित मानते हैं परंतु दूसरे को महत्व को नहीं देते, यानी जो लोग इसमें शामिल हैं वो अपने अपने निष्कर्ष को सही मानता है, अपने अपने जो इसका निष्कर्ष है यानी अपने अपने सिद्धांत को ठीक मानता है, लेकिन दूसरे को सिद्धांत को ये महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, चौथा देखते कि इसका बुराई क्या है। चौथा, अध्ययन पद्धति पर जरूरत से अधिक बल देना। देखिए, अध्ययन पद्धति पर ही जरूरत से ज़्यादा अधिक बल दे देते हैं। अगर हम अध्ययन पद्धति पर ही सारा बल देते हैं तो अलग काम कब कर पाएंगे बताइए तो। ठीक है ना, तो यहाँ भी एक कमी पाया गया कि अध्ययन पद्धति पर आवश्यकता से अधिक बल देना व्यवहारवाद की एक बड़ी कमजोरी है। ठीक है, कि उन्हीं लोग पर उसे ज़्यादा क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। व्यवहारवादियों जो हैं वो तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि बहुत बार व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं। ठीक है ना, यानी इनका कहना है कि तथ्य, जितने भी सारे तथ्य होते हैं और उनका आंकड़ा होता है, एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बहुत बार ये व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं, और अधिकतर व्यवहारवादी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथ्य और आंकड़े जुटाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब क्या कि तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करने में अपना समय उलझे रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अधिकतर व्यवहारवादी जो होते हैं ना वो अमहत्वपूर्ण विषयों, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है उस भी विषय को संबंध में तथ्य और आंकड़े जुटाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं।
मतलब ये लोग कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा ना कि जो बर्बादी है ना वो उस चीज़ों को बारे में ज़्यादा लगे रहते हैं जो चीज़ ज़रूरत का भी नहीं है, ठीक है, उसमें लगे रहते हैं और अपना समय गंवाते हैं। और सबसे बड़े मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि बर्बाद एक ऐसा चीज़ था ना जिसमें से सिर्फ ये ढूंढा जा रहा था कि कमी क्या है, कमी क्या मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, ये उन लोगों को नज़र तो सूझ जाता था कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन कैसे भूखे मर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है और क्या अपनाया जाता कि उन लोग कल रह करके भूखे ना मरें, ये इसमें बात चल ही नहीं रहता। सिर्फ कमी क्या है, सिर्फ कमी क्या है, लोग कैसे भूखे मर रहे हैं वो कोई नहीं जान रहा था, बस लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग टाइम फालतू चीज़ों में, जो अमहत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण भी नहीं है, उसमें टाइम गंवा देते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि उन लोग कैसे भूखे मर रहे हैं, इसके लिए इलाज क्या है, क्या ऑप्शन डाला जाए ताकि भूखे ना मारे, इस पर कोई बात नहीं करने वाला था, ठीक है ना, ये भी इसका एक कमजोरी था। पांचवा, एक अपूर्ण अध्ययन। देखिए आलोचकों का मानना है कि व्यवहारवाद एक अपूर्ण अध्ययन है, मतलब जिसको पूर्ण अध्ययन नहीं करता ये, क्योंकि ये क्या कमजोरी है इनका तो पता लगा लेते हैं, लेकिन ना तो कमजोरी का कारण और ना ही उनका समाधान का पता लगाते, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, पूर्ण अध्ययन नहीं करते, छोटा सा बस क्या कमी है तो उन लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे भूखे मर रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। छठा, समाज के तत्कालीन समस्याओं के प्रति उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जैसे देखिए हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब हमारा सरकार क्या निकम्मी है, उदासीन हमारा सरकार क्योंकि हमारे प्रति काम नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो व्यवहारवादी होते थे ना वो समाज की जो तत्कालीन समस्या था, जो अभी समस्या चल रहा है, उसके प्रति काम नहीं करते थे, यानी कि उदासीन थे। तो आलोचकों ने व्यवहारवाद पर यह आरोप भी लगाया कि वह समाज के तत्कालीन और गंभीर समस्याओं के प्रति उदासीन रहता है, इस प्रकार से समाज को व्यवहारवाद से कोई लगाव नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। इसी आधार पर व्यवहारवादी को आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी के नाम से पुकारा जाता है कि ये लोग सिर्फ आराम से कुर्सी पर बैठे रहते हैं, और इनको क्या नाम से पुकारा जाता है, आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी मतलब अच्छे लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे लोग नहीं बोला इसको, आराम कुर्सी वाले बैठे रहते हैं, ऐसा कहा कि इन लोग जो समस्या समाज में उसका निपटारा नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी के नाम से कहा जाता है। अब चलते हैं सातवां पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे सातवां पॉइंट क्या है, अव्यवहारिक। तो देखिए इसका नाम अव्यवहारिक क्यों पड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि व्यवहारिक का उल्टा होता है अव्यवहारिक, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो ये व्यवहारिकवादी का लोग जो लोग तो होंगे, ठीक है ना, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो को मैं रोका करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं अकेला नहीं रहता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, वीडियो को रोकना पड़ता है, फिर उधर से अचानक मैं देखता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक होता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो व्यवहारिक का उल्टा होता है अव्यवहारिक, तो इसका नाम अव्यवहारिक क्यों पड़ा हुआ, क्योंकि जो व्यवहारवादी के जो लोग होंगे ना वो अच्छे रूप से काम नहीं करते थे, जो उनका व्यवहार था वैसा व्यवहार के जैसा काम नहीं करते थे, इसीलिए बोला गया अव्यवहारवादिक। तो इनके आलोचकों ने, इनका बुराई करने वाले लोगों ने व्यवहारवाद को अव्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत मानते हैं, ठीक है, कि जो जितने भी सारे व्यवहारवाद में लोग हैं वो क्या हैं, अव्यवहारिक हैं, वो लोग व्यवहार के जैसा नहीं करते, जो करना चाहिए वो नहीं करते, इसीलिए इसको अव्यवहारिक कहा गया है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था, अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो व्यवहारवाद की विभिन्न आलोचनाओं पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारवाद का राजनीति शास्त्र में अध्ययन सबसे बड़ी भूल है, मतलब हम लोग को इसको पढ़ने से ऐसा लगता है ना कि सब ये गलत है, क्योंकि सारे लोग इसका बुराई कर रहे हैं, तो हमको पढ़ना सबसे बड़ा भूल है, लेकिन नहीं, ठीक है, ऐसा सबसे बड़ी भूल है, परंतु आलोचकों और कमियों के रहते हुए भी व्यवहारवाद के संबंध में ऐसा निष्कर्ष देना उचित नहीं होगा, इसके महत्व और उपयोगिता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए कुल मिलाकर के निष्कर्ष में ये लिखना होता है कि व्यवहारवाद को बहुत सारे विद्वानों ने इसको गलत साबित किया और गलत कहा, और बहुत सारे विद्वानों ने इसको गलत साबित किया और इसमें गलत पाया भी गया, ऐसा बात नहीं कि इसमें गलत नहीं पाया गया, गलत पाया गया, फिर भी अगर हम इसको चाहेंगे अपने राजनीतिक व्यवस्था से, अपने किताबों से, कि इसे हटा दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ये गलत किया है, जितना इसमें कमियां है, उससे बढ़कर के इसमें खामियां भी है, मतलब इसमें अच्छाइयां भी है, तो इसको भुलाया नहीं जा सकता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे हटाया नहीं जा सकता है, इसे गलत भी नहीं किया जा सकता है, गलत कहा जा सकता है लेकिन इसे अच्छाई भी कहा जा सकता है, इसे हटाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था इसका निष्कर्ष में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर
थोड़ा बहुत विकास करता है ना तो थोड़ा बहुत कमी भी रहता है, ठीक है, तो इसे हटाया नहीं जा सकता है। तो ये इसका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में नव उदरवाद वाला, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, यानी नवीन उदरवाद उत्तर व्यवहारवाद वाला, ठीक है, उदरवाद नहीं बल्कि उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और नवीन व्यवहारवाद दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।